हेलो दोस्तों, मैं श्री श्रद्धा टेस्ट गार्डन रीवा से बोल रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, देखिए मेरे गुड़हल फ्लावर एक समय जल रहे थे और बहुत छोटे साइज हो गए थे। अभी भी छोटे ही हैं, पहले जैसे बड़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी पहले से थोड़ा चेंजिंग हुई है। और ये देखिए ढेर सारी कलियाँ भी और फिर से चमक गए हैं। और क्योंकि मैंने एक ऐसा फर्टिलाइजर दिया है जो वैसे तो मैं ज़्यादा केमिकल नहीं डालती हूँ, गर्मी में ठंड में ज़रूर मैं माह में एक बार केमिकल का सहारा लेती हूँ, और अभी भी गर्मी में भी डाल देती हूँ, लेकिन प्योर केमिकल नहीं डालती हूँ, किसी न किसी आर्गेनिक के साथ मिलाकर थोड़ा सा डालती हूँ। लेकिन इस समय गर्मी है, मैं बिल्कुल नहीं डाल रही हूँ, आर्गेनिक का ही सहारा ले रही हूँ। और डालती थी फिर भी इतनी तेज़ गर्मी से मेरे पौधे बिल्कुल झुलसे से जा रहे थे, और पत्तियाँ से ज़्यादा मेरे फूल, क्योंकि बहुत ही सुकुमार फूल होता है कोई भी प्लांट का, ऊपर की टिप से बिल्कुल जली सी जा रही थी, हल्की कहीं कहीं जो नीचे फ्लावर थे वो बिल्कुल स्वस्थ थे, लेकिन ऊपर जो फ्लावर लगे थे डायरेक्ट धूप के कारण थोड़ा सा हल्के से जले हो जाते थे। तो अभी कल शाम को हमारे यहाँ मुश्किल से आधा घंटा से भी कम बूंदाबांदी हुई है, किसी स्थान पर हुई किसी स्थान पर नहीं हुई है। तो चलिए, बरसात का पानी मिल जाता है, बारिश का, वो अपने आप में एक फर्टिलाइजर है, थोड़ा सा भी मिला तो पौधे बहुत ही खुश नज़र आते हैं। साथ में मैंने अभी चार दिन पहले इसमें एक ऐसा फर्टिलाइजर दिया है जो बहुत ही सेहतमंद है पौधे के लिए, बहुत ही उपयोगी है और ठंडा रखता है और फंगस से भी दूर करता है, और उसमें इतने ज़्यादा पोषक तत्व है, अकेला ही वो भारी है और वो आप सब इस्तेमाल भी करते हैं लेकिन वेस्ट समझ के ना फेंके, वो इतना अच्छा है। उसके सामने DAP, पोटास, यूरिया सभी कुछ फीके हैं, अकेला ही वो बहुत ही अच्छा है। उसमें चलिए हम आके बताते हैं कि वो कौन सा फर्टिलाइजर है, मैंने कैसे बनाया है और आप सब इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी तरह आप गुड़हल में ढेर सारे फ्लावर और कलियाँ पा सकते हैं, फंगस भी बिल्कुल दूर रहेगा। किसी भी आप प्लांट को दे सकते हैं, इसी तरह बिल्कुल लहलहाते हुए पौधे आपके रहेंगे, चाहे वो सदाबहार हो चाहे पोरचुलका हो। तो दोस्तों बने रहिए मेरे वीडियो में, थोड़ा उपयोगी लगेगा, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वो ये फर्टिलाइजर है, देखिए किचन वेस्ट तो हम सब डालते हैं, और प्याज तो हमारे पौधे के लिए बिल्कुल जीवन है, बिल्कुल फंगस से दूर करता है। इसमें फास्फोरस, पोटेशियम, ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर और ठंडा होता है, लू से पौधे को बचाता है, फ्लावरिंग में मदद करता है। और साथ में ये देखिए इसमें करेला है, यानी एक दिन की जो सब्जी मेरे बनी थी वो, और साथ में एक दिन दाल में मैंने मुनगे को डाला था तो ये कुछ मुनगे कड़े हो गए थे, ये मुनगा भी हमने डाल दिया था। ये वो फर्टिलाइजर है दोस्तों कि जिसका कुछ हद नहीं। साथ में कहीं एक केला रह गया, मैं फल नहीं डालना चाहती थी, बस मैं आज मैंने सलाद और जो सब्जी और लहसुन के छिलके, जो एक टाइम की सब्जी में जो कुछ पड़ा था मैंने सब डाल दिया। और लहसुन भी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, बहुत ज़्यादा उसमें पोषक तत्व, फास्फोरस, मिनरल्स, बहुत सारी चीज़ होती है और रोगों से रक्षा करता है। और कहो गर्मी है तो वो नुकसान नहीं करेगा, हम लोग खाते हैं तो नुकसान नहीं करते, किसी चीज़ की एक मात्रा मौसम के हिसाब से और पौधे के हिसाब से देना चाहिए। तो मेरे पास जो सलाद थी, सब्जी छिलका था और जो मुनगा दाल में पड़ा था उसको भी मैंने वेस्ट मुनगे जो कुछ ज़्यादा हो गए थे उसको, और ढेर सारे छिलके इसमें बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, तो इस तरह मैंने डाला है। और ये इतनी अच्छी होती है, और ये देखिए मैंने चार दिन डाला, और गुड़हल के पौधे, जो मेरे गुड़हल थोड़ी इस समय फ्लावरिंग कम आ रही थी, बिल्कुल छोटा साइज हो गया है, तो उससे अंतर आया है। तो ये देखिए मैं कल सुबह गला दी थी पानी में, ये 7 लीटर पानी में एक टाइम की पूरी सब्जी डाल दी थी, डायरेक्ट ये लिक्विड है, बड़े पौधे में हम इसको डाल सकते हैं। तो दोस्तों प्याज और इसमें सभी आयरन पोषक तत्व तो होते ही हैं पौधे के लिए जो उपयोगी है, लेकिन मुनगा पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन का इतना बड़ा स्रोत है, और इसमें कई प्रकार के विटामिन होते हैं जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही आवश्यक है। और दोस्तों इसमें आयरन पालक से भी अधिक होता है, दूध से भी ज़्यादा इसमें कैल्शियम होता है, इसी तरह केले से 4 गुना ज़्यादा इसमें पोटेशियम होता है, फास्फोरस, यानी इतना इसमें बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर है, कि हमारा खाली मुनगा का लिक्विड ही हमारे पौधे को जीवन दे सकता है और फल फूल से ज़्यादा फल फूल से भर सकता है। तो दोस्तों आप ज़रूर उपयोग करिए, गर्मी में आपके पौधे बिल्कुल झुलसे हुए पौधे लहलहा जाएंगे और बिल्कुल ताज़े हो जाएंगे, ग्रीन हरे भरे रहेंगे और ढेर सारा फ्लावरिंग करेंगे, चाहे आप फ्लावर वाले पौधे में डालें, चाहे फल या सब्जी किसी भी पौधे में इस लिक्विड को डाल सकती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, अगली वीडियो में फिर